हिंदी दिवस है। आज का यह एपिसोड भाषा का क्या महत्व है इस पर आधारित है। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा का यह स्पेशल एपिसोड। पहली बार अंबेडकरनामा पे भाषा के महत्व पर चर्चा होने जा रही है। मैं हिंदी की बात नहीं, मैं भाषा की बात कर रहा हूं। चलिए इस पर चर्चा के लिए चलता हूं थोड़ा 1906 में एक लेख लिखा गया था, 1903 जून 1903 में सरस्वती में लिखा गया था और लिखने वाले थे काशी प्रसाद जायसवाल। और थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं, काशी प्रसाद जायसवाल पे मैंने पीएचडी की है, जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर के एम श्रीमाली के अंडर में मैंने अपना थीसिस काशी प्रसाद जायसवाल द मेकिंग ऑफ ए नेशनलिस्ट हिस्टोरियन के नाम से छपा है, वो आकार प्रकाशन से। उसके अलावा काशी प्रसाद जायसवाल की जो राइटिंग्स है, हिंदी राइटिंग्स है, उसको 3 खंड में हमने छापा है। उसके अलावा 2 किताब, तकरीबन 6 किताब टोटल मिलाकर 5 संपादित और लिखित मैंने काशी प्रसाद जायसवाल पे छापा है। काशी प्रसाद जायसवाल कौन थे? मिर्जापुर के रहने वाले थे, पिछड़े समुदाय के पहले ऐसे स्कॉलर थे जो ऑक्सफोर्ड पढ़ने गए थे और वहां से उन्होंने बैरिस्ट्री की, फिर एमए हिस्ट्री किया और पहले भारतीय स्कॉलर थे जिनको चाइनीज सीखने के लिए स्कॉलरशिप डेविस स्कॉलरशिप मिला था। बहुत प्रकांड विद्वान थे, उनको नेशनलिस्ट हिस्टोरियन कहा जाता है और वो राहुल सांकृतायन दिनकर उन सबके एक तरह से अग्रज थे, सबके गुरु थे। उन्हीं के घर पे इन लोगों की ट्रेनिंग होती थी और उनका घर विद्वानों का अड्डा था। अभी उनके ऊपर उनके अंग्रेजी राइटिंग्स का कलेक्शन मुझे छापना है, तकरीबन 8 वॉल्यूम में किताब बनेगी। हिंदी का कलेक्शन हमने छापा है 3 वॉल्यूम। जब ऑक्सफोर्ड में वो पढ़ते थे तो वहां से भी हिंदी में लिखते थे जो सरस्वती में लगातार छपती रहती थी। तो 1903 ऑक्सफोर्ड जाने से पहले उन्होंने एक लेख लिखा था और दिलचस्प लेख है भाषा का महत्व। उसी लेख के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं, पूरा सुनिएगा जरूर, क्योंकि सबसे पहले मैं ये बता दूं कि भाषा में ही सत्ता का खेल है। जो भाषा नहीं जान सकता वो कोई सत्ता का खेल नहीं जान सकता। उदाहरण के लिए, ब्राह्मण प्राचीन काल में संस्कृत के मास्टर्स थे। जब मुस्लिम रूलर आए तो उन्होंने अरबी और उर्दू भी सीखा, कोर्ट कचहरी में काम होता था। और जब अंग्रेज आए तब सबसे पहले अंग्रेजी सीखने वालों में भारत के ब्राह्मण ही थे। तो भाषा का क्या महत्व है, पूरा दुनिया एक भाषा का खेल है, कारीगरी है। इसलिए भाषा के महत्व को समझिए और इस लेख को, ये जो मेरी किताब मैंने 3 वॉल्यूम में छापी है उसी का एक किताब पहला खंड है, काशी प्रसाद जायसवाल संचयन खंड 1, इसी में लेख है और उसी को मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। वो लिखते हैं कि यदि पूछा जाए कि भाई यह भाषा जिसे रात दिन आप काम में लाते हैं क्या है, कैसे और कहां से आई है और किस प्रकार आपने सीखा है, तो इसका उत्तर होगा कि अपने माता पिता से सीखा है। आपके माता पिता ने किससे सीखा, तो अपने माता पिता से। अर्थात भाषा सीखना परंपरागत है। हमारे एक मित्र का तोता खूब पढ़ता है। वे कह सकते हैं कि मनुष्य बाल्यावस्था में भाषा उसी तरह सीखता है जैसे दोहा, श्लोक पुकारना आदि उनके तोता ने सीखा है। तो चलिए, तोता भी बोलता है और मनुष्य भी, अतः भाषा मनुष्य के लिए कोई विशेषता नहीं है। पर वास्तव में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तोता या मनुष्य जाति से भिन्न किसी जीवधारी की कोई भाषा है यह आज तक किसी विद्वान ने सिद्ध नहीं करके दिखाया है। यह ठीक है कि जानवर भी अपना अभिप्राय स्पष्ट करते हैं, कुत्ता गुर्राने या भौंकने से अपना मतलब दूसरे को समझा देता है, लेकिन गुर्राना या भौंकना भाषा नहीं है और न ही उसमें भाषा के कोई बीज है। मैं पश्चिमी विद्वान भी जो मानव सृष्टि को एक विशेष जाति के कपी से निकली मानते हैं, कपी मतलब
बंदर, बंदर से निकली मानते हैं, यह सिद्ध करने में अब तक असमर्थ हुए हैं कि उनके पूर्व पुरुष वे कपि यानी बंदर अपनी भाषा रखते थे या रखते हैं। आज तक उनसे किसी महामान्य मरकट ने न कहा कि विद्वान मैं तुम्हारा पुरखा हूं, किसी बंदर ने नहीं कहा किसी मनुष्य को कि मैं तुम्हारा पुरखा हूं। यह स्पष्ट है कि तोते की तरह बालक बोलना सीखता है, किंतु तोते के पुरखों ने कोई भाषा नहीं गढ़ी और बालक एक ऐसे जीवधारी की संतति है जो भाषा बना सका और जिसने अपनी भाषा बनाई है। तोते का सीखना अभ्यास, लालच और डर के कारण है, परंतु बालक का स्वाभाविक प्रयास, परंतु बालक का स्वाभाविक बिना प्रयास के वो नेचुरली सीखता है। आगे वो कई उदाहरण देते हैं जानवर और मनुष्य के बीच, कि मनुष्य भी मांस खाता है, जानवर भी मांस खाता है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है। कहते हैं कि यदि पशु और मनुष्य दोनों में कोई समान बात नहीं है तो वह भाषा ही है। भाषा को हम में से निकाल डालिए, बस हम गूंगे पशु हैं, पशुओं से भी कहीं अधम। पर वह शक्ति, वह अति अद्भुत ज्योति जिससे सारा संसार दीप्त है, वह ज्योति जिसे भाषा के नाम से पुकारते हैं, हम में पिरो दीजिए, तब न हम केवल सारे जीवधारियों के सिरताज हैं, परंतु वरन हम एक ऐसे नए लोक में पहुंच जाते हैं, विचारों का बांध बांधते हैं, वचनों की लड़ी लगा देते हैं, जिन्हें पशु पशु तक मानते हैं, उसी भाषा को पशु तक मानते हैं, अनुकरण करते हैं, सिर झुकाते हैं, पर जिन्हें वे स्वयं सिरज सकते और न ही अपने बच्चों को बता सकते हैं। आगे लिखते हैं काशी प्रसाद जायसवाल, इस सारांश यह कि भाषा से ही मनुष्य पशु से पहचाना जाता है, भाषा से ही मनुष्य अपने को पहचानता है, भाषा के द्वारा वह ऐहिक और पारलौकिक इस दुनिया और उस दुनिया के कर्तव्यों का साधन करता है, भाषा ही उसकी अमूल्य पैतृक संपत्ति है, भाषा से ही वह समस्त सृष्टि का महाराज है, अधिक क्या भाषा से ही मनुष्य मनुष्य है। सो उसी भाषा को, उसी शास्त्र को न जानना, उसी भाषा के मर्मों को न समझना, उसी भाषा की अवहेलना करना क्या मनुष्य जाति के लिए लज्जा शतवार लज्जा का कारण नहीं है। जन्म लेना और भाषा के महत्व को पहचाने बगैर मर जाना क्या बड़ी भूल नहीं। आगे यहां मैक्स मुलर जो जर्मन स्कॉलर थे उनका कोट यहां उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि मैक्स मुलर ने लिखा है कि लिखने पढ़ने और गणित के ज्ञान के बिना मनुष्य शिक्षित नहीं गिना जाता, पर हमारे लिए वह मनुष्य कदापि अपने को शिक्षित नहीं कह सकता जो यह नहीं जानता कि भाषा क्या है और किस भांति इस दशा को पहुंची है। इसको उद्धृत करते हुए और एक बात और बता दूं, काशी प्रसाद जायसवाल इतने बड़े विद्वान थे कि बाबा साहब अंबेडकर की राइटिंग में देखें काउंटर रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन, कई राइटिंग्स में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने काशी प्रसाद जायसवाल के हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स को उद्धृत किया है, कई विशेष एपिसोड उस पर अलग से। आगे लिखते हैं कि मनुष्य का परंपरागत माँ बाप से भाषा का सीखना सत्य है, परंपरागत रूप से मनुष्य माँ बाप से ही सीखता है, पर इतने से भाषा क्या है यह प्रश्न हल नहीं होता। जब हम भाषा के उलट फेर का इतिहास पढ़ते हैं तब जान पड़ता है कि इसका आदि अवश्य है, देयर मस्ट बी सम बिगनिंग। पुराने काल में इसका ठीक पता लगता न देखकर लोगों का यह साधारण विश्वास था कि भाषा देवकृत है। उदाहरण के लिए हिंदी लीजिए, हिंदी प्राकृत से निकली और प्राकृत संस्कृत से, पर संस्कृत देववाणी है,
यही विश्वास सब देशों में था, अर्थात भाषा स्वर्ग से आई और पृथ्वी पर मनुष्य ने उसे चुग लिया। किंतु ध्यान पूर्वक यदि छानबीन की जाए तो पता चलेगा कि भाषा में मानवीय कारीगरी है, और यह हल हो जाएगा यह कैसे बनी है। ये भाषा देवकृत नहीं है, काशी प्रसाद जसवाल कह रहे हैं कि भाषा देवकृत नहीं है, मनुष्य ने बनाया है। आगे लिखते हैं, वास्तव में यह आश्चर्य की बात है कि जो कुछ हम सोचते, कल्पना करते, समझते, अनुभव करते, देखते या सुनते हैं, सबका श्वास के विविध प्रकार निकलने से शब्दों में भाषा द्वारा प्रतिरूप खींचा जाता है। भाषा के लाभ को गिनवाते हुए काशी प्रसाद जसवाल यहां लिखते हैं कि भाषा के लाभ अनंत हैं, भाषा की घनिष्ठता अद्भुत है, भाषा का संबंध लोकोत्तर है, लोगों की समझ में रुधिर का संबंध बड़ा घनिष्ठ संबंध है, रुधिर मतलब ब्लड, खून का संबंध जो है सबसे महत्वपूर्ण संबंध है, पर हम दोनों भुजा उठाकर ललकारते हैं कि भाषा का संबंध संस्कार के यावत संबंधों से कहीं जोरावर है। यदि आप चीन जाएं, जहां लंबी चोटी वाले पीले मनुष्य की क्रिबराहट में एक आपका बांधव मिले जो चीन में ही पला बढ़ा हो और चीनी ही बोलता हो, और दूसरा चीनी हो जो टूटी फूटी ही आपकी भाषा बोल लेता हो और समझ सकता हो, तो बतलाइए आपका मन किसकी ओर झुकेगा। रुधिर की एकता मतलब ब्लड की एकता भाषा की एकता के बिना व्यर्थ है, और भाषा की एकता रुधिर की विभिन्नता रहते हुए भी एकता बनाने वाली है, संपादन करने वाली है। अंग्रेजों की यह उन्नति कदापि न हो सकती यदि उन सभी की भाषा एक न होती। जर्मनी सा छिन्न भिन्न देश भाषा के एकता सूत्र में गठित होकर राष्ट्र को दृढ़ करता है। भाषा की एकता सब एकताओं की जननी है। आगे लिखते हैं कि भारतवर्ष और अंग्रेजों में भाषा शास्त्र ने ऐसी कड़ी लगाकर उनके राज्य को ऐसी दृढ़ता प्रदान की है कि जिसके संपादन में करोड़ों सैनिक कृत कार्य न हो सकते, कि करोड़ों सैनिक भी लगकर जो काम नहीं कर सकते थे वह काम भाषा ने अंग्रेजों के लिए कर दिया। वो क्या है, उदाहरण देते हैं। लिखते हैं कि जब पश्चिमी लोग यहां आए तब यहां वालों ने मतलब भारत के लोगों ने उनको वानरा कहा, वानरा भविष्य पुराण में वानर से अंग्रेजों को कहा गया, वानर कहकर पुकारा, और यह ना समझ सके कि वे भी मनुष्य हैं। उनसे बढ़कर अंग्रेजों ने यहां वालों को काला जंगली महाजंगली समझा। हिरोशियो हेल नामक विद्वान ने लिखा है कि एक साधारण गोरा सिपाही भी यहां के बड़े से बड़े महाराज को कलूटा निग्रो कलूटा कहता है। सारांश यह कि परस्पर की घृणा अकथनीय थी, बहुत ज्यादा थी परस्पर की घृणा, किंतु एक भूकंप आया और सारा दुर्विचार पलट गया। यह भूकंप भाषा शास्त्र के अध्ययन करने वालों का एक अद्भुत आविष्कार था, संस्कृत के साथ नेटवर्क। इन लोगों ने सिद्ध कर दिखलाया कि इन कालों की आदिम भाषा संस्कृत पश्चिम वालों के ग्रीक, लैटिन, जर्मन आदि की बहन, बड़ी बहन है। यहां की मातर वहां की मदर बराबर है, यहां का भ्रातर वहां का ब्रदर है, दोनों एक ठौर के भुइये हैं, दोनों एक पिता के पुत्र समान है। अतः भाषा शास्त्र ने दोनों में अद्भुत प्रेम उत्पन्न किया। ऐसे उपकारी, परम उपयोगी, ऐसे महामहिम भाषा शास्त्र को न जानना क्या कम भूल की बात है। ये लेख सरस्वती में छपा था, भाग 4 संख्या 6 जून 1903 पृष्ठ 209 से 211 में छपा था। मेरी किताब जो है काशी प्रसाद जसवाल संचयन में ये लेख जो है 42 से 45 पेज पर है। जो छात्र
और शोधार्थी और टीचर हिंदी में दिलचस्पी रखते हो, सस्ता साहित्य मंडल से 3 खंड में ये किताब छपी है, आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, पढ़िए, बड़ा दिलचस्प है। काशी प्रसाद जायसवाल 8 भाषाएं जानते थे और हिंदी और अंग्रेजी में लिखते थे। आप गूगल पर टाइप करें काशी प्रसाद जायसवाल, आपको परिचय मिल जाएगा। और बाबा साहब भी काशी प्रसाद जायसवाल को कोट करते थे अपने लेखनी में। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। जय भीम।